ये रखो राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। तो एक तो ज़्यादा नहीं सोचा था, देखो तो दो कपल बैठे हुए हैं वहाँ पर। हम लोग आए थे आज राजगीर क्योंकि यहाँ पर जू सफारी खुला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पर सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। बट बेसिकली हुआ क्या कि हम लोग आए थे आज जू सफारी देखने, नया नया खुला है अभी राजगीर में, एंड सडनली मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। मौसम के कारण बंद हो चुका है, मतलब जो जू सफारी वाइल्ड लाइफ है वो बंद कर दिया गया है। जवार में लड़खड़ा रहा है, ठंडी बढ़ गई है। एंड हम आए यार राजगीर में, सब कुछ घूम चुके हैं, बस यही नहीं देखे थे इसको देखने आए थे, बट ये बंद हो चुका है। एंड हम यहाँ से लौट रहे क्योंकि हमें कुछ बचा नहीं है। एक तो आज संडे है, संडे को बहुत भीड़ रहती है। देखो राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, तो एक तो संडे है, संडे को बंद हो जाए, मौसम देखो कितनी ख़राब हो चुकी है, बहुत डिसअपॉइंट हुए यार। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा आया हूँ तो कुछ तो बना के जाऊँगा, तो आप लोगों को घुमा देता हूँ, इधर थोड़ा दिखा देता हूँ अगर आप लोग जो नए हो नहीं देखे हो। एंड तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से, जैसे आप लोगों को पहले बताया कि वहाँ पर बंद है जू सफारी, तो हम लोग यहाँ बुद्ध स्तूपा देखने आ गए। चलो थोड़ा आए तो घूम के ही चलते हैं। तो यहाँ से अब तो एक और नया लिफ्ट भी आ गया, दो दो लिफ्ट हो गई, एक तो एक सिंगल लोग को लेकर जाने वाली है और एक दो तीन लोगों को लेकर जाने वाली है, मतलब साथ में, और दोनों का सेम प्राइस है। देखते हैं चलते दो। तो जो सिंगल लिफ्ट है, सिंगल मतलब सिंगल लोग छोटे यहाँ मिलती है इसकी टिकट, और बड़े वाला को वहाँ पर टिकट मिलती है। जो लाइन में लगे हुए बहुत भीड़ है, बड़े वाले इससे नहीं जाएंगे, हम लोग इसे जाएंगे। तो अभी यहाँ से ये लिफ्ट पर बैठना, ये सिंगल लिफ्ट बोला था, उधर से डबल चलता है, ऊपर चलूँगा। तो इस तरह से बैठते हैं, वेट कर रहा हूँ मेरा चांस आने का। इतने लोग अंदर आ चुके, बहुत लंबा भीड़ लग गया यार, भीड़ देखो कितनी भीड़ हो गई। तो लाइक हाँ लाइक दिस बैठते हैं, मेरे को बैठ जाने तो फिर अपने से बात कर। तो अभी जस्ट अब हम बैठ गए और ये मेरे ऊपर भाई, और ये किसकी बात कर रहा था, जो एक और वो जो आ रही है ना लिफ्ट एक्सीलेटर या जो भी बोलते हैं, लिफ्ट ही बोलो, चलो लिफ्ट ही जानो। तो उस पर फैमिली के साथ आप हो, तो अभी वो जस्ट नया नया हुआ है, मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था राजगीर तो बन रहा था, तो उस पर आप फैमिली के साथ आते हो तो लगभग 5-6 लोग बैठ सकते हैं, और ये सिंगल का। बंद हो चुका है, बीच लाइन में बंद हो जाता है क्योंकि लाइट चली जाती है तो बंद हो जाती है, बट वो वाली नहीं होती है बंद, आई डोंट नो होती कि नहीं है, लेकिन अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा वो बंद होते हुए। बड़ी वाली है, छोटी वाली बंद होती रहती है बीच में कितने बार, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हम लोग विश्व स्तूपा आ गए हैं, उधर एक टेम्पल है, महावीर टेम्पल है, और ये बंदर भाई बहुत हरामी होते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं बहुत कम ब्लॉग कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं सोचा था ही था कि संडे है तो भीड़ रहेगी, बट इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। देख रहे हो दो कपल बैठे हुए हैं। तो अभी क्या है कि अपन अभी थोड़ा सा टाइम मिला इधर, अब मैंने भीड़ से नीचे आया, मतलब ऊपर देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आए एंड यहाँ पर बातचीत करते। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग आए थे यहाँ पर जू सफारी देखने के लिए, जो कि खुला है वहाँ पर राजगीर में, खुला है, काफ़ी सुंदर है, मतलब एक नेचर सफारी, एक जू सफारी। नेचर सफारी का आप लोग वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो, जिसमें ग्लास ब्रिज है, जिप लाइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अभी लाइक 14 फरवरी को ओपन हुआ है जू सफारी, तो उसको देखने आया था। बट थिंग इज़ कि हम लोग 10:30 में यहाँ पहुँच गए थे, और आज वीकेंड है, मतलब संडे है आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लोग ऑलरेडी, मतलब मुझे नहीं लगा था 1000 लोगों को एक दिन में अलाउ था, मुझे नहीं लगा इतना जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा टिकट, बट सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, 1000 लोग ऑलरेडी जा चुके थे। तो हम लोग का मतलब काइंड ऑफ मैं तो हाँ ऑलरेडी, मेरे अगर आप मेरे ब्लॉग्स में देखोगे तो ये यहाँ का वीडियो है ऑलरेडी, आई थिंक पहला या सेकेंड वीडियो ही यहाँ का है, जब मैं शुरू किया थी ब्लॉगिंग करना तो पहला दूसरा वीडियो ही यहाँ का है। बट ठीक है, कोई नहीं, बोलो सोचे कि यहाँ पर आए तो घूम के चलते हैं, तो फिर से बना लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करना, अगर आप लोग कोई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो यार यहाँ से अब कितने बार भी आओ, खूबसूरत है यहाँ, जगह खूबसूरत है, आप सामने से देखो लोकेशन काफ़ी अच्छा है। आज का दिन धूप नहीं किया है ज़्यादा, थोड़ा बारिश होने लगी थी छोटी सी, और आज संडे है तो बहुत लोग भी आए हैं, तो सिर्फ मैं और मेरा भाई आया। तो अभी देखते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं और आगे चल के छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा ब्लॉग रहेगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी करना, बताना कैसा लगा, और ऑफ कोर्स हम लोग जल्दी जू के लिए आएंगे। मैं अभी फिर से अपना लिफ्ट लेना है, हम लोग यही वाला ले रहे हैं उधर ला, अरे वो वहाँ से लगाए क्या? नहीं भाई, यहाँ से तो मोस्टली पीपल वो बड़े वाले से जा रहे हैं। कौन इतना टाइम दे यार, देखो कितना लंबा भीड़ है।
सो अपन चलते हैं, यहाँ से हो गया अपना, नीचे चल के बात करते हैं। और ये सामने लिफ्ट रहा, सो या भीड़ है, अपने पास टिकट है, उसी इंक्लूडेड है उसी में। चलिए सी कितना टाइम लगता है। जोर से सुबह से कुछ नहीं खाया, तो देखते हैं रेस्टोरेंट कहाँ। एक तो यहाँ पर था बट वो बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें, तो उसमें नहीं जा रहे, बहुत लोग हैं। सो अभी ये देखो ट्रैवलर भी आने लगा, आई थिंक बाहर के लोगों को भी अलाउ होने लगाने के लिए। सॉरी मैं वो बीच में बात रहा हूँ, कुछ और करनी है। तो जितने भी बस आते हैं ना, मोस्टली नेपाल, थाईलैंड, आई डोंट नो इंटरनेशनल आ रहे कि नहीं, बट लग रहे वैसे ही, मे बी नॉर्थ ईस्ट के भी होंगे, लेकिन वो आते नहीं ऐसे बस से, बट मे बी हो सकते। तो अभी ऐसा काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं।